दोस्तों, अभी रिसेंट में मैंने ईविल डेड राइज मूवी देखी है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक डिसेंट हॉरर मूवी है और वेरी सिंपल स्टोरी है मूवी की। और इस मूवी को देखने का जो मज़ा है वो मैं आपको बोल कर बयां नहीं कर सकता। आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि मूवी एकदम लाजवाब है। ठीक है, मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे मूवी के बारे में और स्पॉयलर्स बहुत होंगे इस मूवी में। ठीक है, तो हम शुरुआत में इंट्रोड्यूस होंगे तीन लोगों से, जिन लोगों का नाम है जेसिका, लियल और टेरेसा। ये तीनों वेकेशन बनाने आए हैं, लेकिन जेसिका की कुछ तबीयत ठीक नहीं होती है। टेरेसा जेसिका को रूम पर देखने जाती है। यहाँ जेसिका बेड पर सोई हुई होती है और हम यहाँ टेरेसा को वेडिंग हैट्स नामक की बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं। और अचानक से जेसिका उठ जाती है, फिर डरावनी सी आवाज़ में किताब की लाइंस को पढ़ने लग जाती है। फिर टेरेसा जेसिका को उठकर चेक करने जाती है। फिर सडनली जेसिका टेरेसा के बालों को नोचने लगती है। फिर जेसिका टेरेसा के बालों को नोच निकाल देती है। टेरेसा बाहर भागते हुए जाती है, वहाँ कलेव ड्रोन उड़ा रहा था। अचानक जेसिका ड्रोन से अपने आप को मारती है, फिर पानी में कूद जाती है। फिर कलेव जेसिका को बचाने पानी में कूद जाता है। फिर सडनली कलेव का कटा हुआ सर बाहर आता है। फिर जेसिका खुद पानी से बाहर निकलकर उड़ने लगती है। फिर टेरेसा उसे देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद कहानी जाती है एक दिन पहले, जहां एक क्लब में बेथ नामक की लेडी को देखते हैं। वो टॉयलेट में अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए चेक कर रही होती है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं वो प्रेग्नेंट थी। फिर इसके बाद बेथ अपनी सिस्टर एली के घर जाती है। फिर हम देखते हैं एली के तीन बच्चे हैं, जिनका नाम है डैनी, ब्रिजिट और एक छोटी लड़की जिसका नाम है कैसी। लेकिन बेथ और एली के बीच में कुछ थोड़ी अनबन चल रही थी, उनमें दोनों में बनती नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर सडनली धरती फटने की आवाज़ आती है। फिर तभी तीनों बच्चे पीछे लेकर लौट रहे होते हैं। फिर पार्किंग लॉट में इन्हें एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। डैनी होल के अंदर जाता है, फिर पता चलता है जहाँ पर एक बैंक हुआ करता था। डैनिस इधर उधर छानबीन करता है। फिर अचानक उसे एक किताब मिलती है और इसी के साथ उसे एक सीडी टाइप रिकॉर्डर, जैसे आप जानते हो कि एक सीडी होती है बड़ी सी गाने सुनते हैं, वो भी मिलता है। और एक फ्रेम फ़ोटो दिखता है, उसमें तीन फादर्स होते हैं चर्च के, और साथ ही में ढेर सारे क्रॉस जो कि फादर्स के होते हैं ना, क्रॉस होते हैं, वो भी मिलते हैं। खैर, इनको बातों को बाद में कर लेंगे। खैर, बुक्स और रिकॉर्ड को डैनिस घर ले आता है। जो भी बुक्स उसे मिली थी उसके साथ रिकॉर्ड भी मिलते हैं, उसको भी घर ले आता है। डैनिस किताब को खोलने की कोशिश करता है, बट लेकिन जो ब्रिजिट होती है उससे मना करती है। बट उसमें खोलने की कोशिश करता है, उसमें अजीब से दांत लगे हुए थे किताब पर, जो अजीब से दांत लगे हुए थे। बट डैनिस को क्या होता है, जब उसे खोलने की कोशिश करता है तो डैनिस को उस दांतों से कट लग जाता है, और जो कट लगने के कारण और जो उस पर उसका डैनिस का खून गिर जाता है, तो वो किताब उसे खून को सोख लेता है अपने आप। इसके अंदर डरावने पिक्चर बने हुए होते हैं जो कि गौड़ी और डेमोनिक थे। ब्रिजिट अब भी डैनिस को मना कर रही थी, पर डैनिस ब्रिजिट की एक भी बात नहीं मान रहा था। डैनिस उस रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्डर में चलाता है और उसे इस रिकॉर्ड को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। फिर अचानक से किताब के पन्ने अपने आप से पलटने लग जाते हैं। फिर इसके बाद एक ईविल स्पिरिट आज़ाद हो जाती है। फिर उसके बाद स्पिरिट अपने होस्ट को खोजने लग जाती है। इसी दौरान एली लिफ्ट से नीचे जा रही थी कि अचानक ईविल स्पिरिट एली में घुस जाती है, कह सकते हैं उसमें समा जाती है, और लिफ्ट के केबल एली को जकड़ लेते हैं, फिर उसे लटका देते हैं। फिर एली अजीब तरह से वॉक करते हुए घर आती है, फिर अंडे वगैरह फोड़ कर उन्हें कुक करने लगती है। फिर उसके बाद उसी फैमिली को मारने की बात करती है। फिर अचानक उसे उल्टियाँ कर देती है, फिर बेहोश हो जाती है। ये सब देख कर सब डर गए थे। फिर दो नेवर आ जाते हैं, यानी कि इनके दो पड़ोसी थे वो आ जाते हैं, जिनमें एक यंग लड़का था गेव और उस दूसरा बूढ़ा आदमी था मिस्टर फोंडा। तो गेव एली की आंख बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप ही खुल जाती थी। उसके बाद बेथ एली के मरने का शोक मना रही थी। फिर अचानक एली का फ़ोन बजता है, उसमें एली अपने आप को
बचाने की कह रही थी। फिर बेथ के सामने एली अचानक जिंदा हो जाती है। बेथ एली को फील करती है। बेथ को लगा कि एली का शरीर बहुत तेज तप रहा था, इसीलिए बेथ एली को बाथ टब में ले जाकर डाल देती है। फिर एली अचानक छत पर उल्टा लटकने लगती है, फिर उन सब पर अटैक कर देती है। एली बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है। उसी कार्ड चारों तरफ जो भी खिड़कियों शीशे लगी हुए थे वो सब टूट जाते हैं। एली एक कांच का टुकड़ा लेके बेथ पर अटैक कर देती है और उसके हाथ में कांच घुसा देती है। फिर उसके बाद विजेट पर अटैक कर देती है। एक टैटू बनाने वाली मशीन से विजेट पर अटैक कर देती है और उसके गाल पर एक खोंच लगा देती है। फिर तभी डैनी एली पर अटैक कर देता है। हाथापाई के दौरान एली घर से बाहर निकल जाती है। फिर बेथ, हमें पता था गिव और मिस्टर फोंडा लिफ्ट को सही करने में लगी थी। तभी एली गिव और मिस्टर फोंडा को मार देती है जिनके हाथ में शॉटगन था। फिर वो कैसी को अपने पास बुलाती है, फुसलाती है कि इधर आओ, और कैसी गेट को खोल देती है बेवकूफ लड़की। फिर एली अचानक कैसी का गला पकड़ लेती है। ऐन वक्त में बेथ और डैनी कैसी को बचा लेते हैं, फिर दोबारा गेट को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ विजिट को जो कट लगा था वो इन्फेक्ट होने लगा था। फिर धीरे धीरे विजिट के आंखों, नाक, मुंह सबसे एक काला खून निकलता है। देन विजिट भी ईविल स्पिरिट बन जाती है। उसके बाद वो कांच के ग्लास को खाने लग जाती है। फिर उसी दौरान डैनी और कैसी पर अटैक कर देती है। खैर, कैसी के हाथ में एक डॉल टाइप रॉड थी जिससे कैसी पर विजिट अटैक करती है तो उसके मुँह में वो घुस जाता है, बट उनको पता चल जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो घुस जाता है उसके मुंह में कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाती है, बट उनको पता था वो मरने वाली नहीं है। फिर वो खड़ी हो जाएगी। तभी विजिट को रस्सी से बांध देते हैं। डैनी बेथ से कहता है ये विजिट की गलती थी, उसने ही ये बुक को खोला और तभी ईविल स्पिरिट अनलीज हुई। उसी दौरान बेथ सीडी रिकॉर्ड सुनती है कि उससे पता चल जाए कि एली को कैसे रोका जाए। एली बाहर से झांक रही थी, तभी उसने देखा एक बिल्ली को जो बिंड से बाहर आ रही थी। तो एली को अंदर जाने का आइडिया मिल गया। फिर अचानक से विजिट जग जाती है, फिर डैनिस पर अटैक कर देती है। डैनिस इंजर्ड हो जाता है। तभी डैनिस विजिट को हाथापाई में जला देता है। तभी एली अंदर आ जाती है, फिर बेथ पर अटैक कर देती है जो सीडी रिकॉर्डर सुन रही थी। फिर उसके बाद एली को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। तो एलिस उसके पेट को नोच कर कहती है आज वो दो सोल्स को डिवाइड करेगी। ऐसे में कैसी बेथ को सीजर पास कर देती है। तभी बेथ एलिस के मुंह में कैंची घुसा देती है। बेथ कैसी को लेकर बिल्डिंग से बाहर लेकर भागने लगती है। तो उसके ना तो लिफ्ट काम कर रहा था और सीढ़ियाँ भी टूट रही थी और इमरजेंसी एग्जिट बंद था। बेथ और कैसी पर अटैक करने की कोशिश करती है। मिस्टर फोंडा की गन को बेथ उठाकर एली पर शूट कर देती है जिससे उसके हाथ पैर कट जाते हैं। फिर उसके बाद मरे हुए लोग भी उठ खड़े हो जाते हैं और एली के पेट को नोच कर उसमें घुसने लगते हैं और एक दूसरे मर्ज हो जाते हैं। भाई उसके क्या कहते हैं, एली के पेट के अंदर घुस जाते हैं इधर उधर से और एक दूसरे मर्ज हो जाते हैं, तो एक प्रकार का स्पाइडरमैन जैसे बन जाते हैं। फिर बेथ और कैसी लिफ्ट से जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर लिफ्ट अचानक खून से भरने लगती है और खून के वजन से लिफ्ट खुल जाती है और बेथ और कैसी खून से लथपथ हो जाती है। बेथ और कैसी कार से भागने की कोशिश करती हैं। जैसे ही कार को स्टार्ट करती हैं कार आगे ही नहीं बढ़ती है। तभी बेथ पीछे मुड़कर देखती है, एली कार को पीछे से पकड़े हुए होती है। फिर कैसी और बेथ कार से निकल कर एग्जिट गेट की तरफ भागती हैं। गेट बंद होने को होता है, तभी बेथ स्लाइड करके गिर जाती है और कैसी रह जाती है और कैसी को एली पकड़कर ले जाती है। फिर बेथ कैसी को गेट तोड़कर बचाने आती है। एली कैसी को एक शटर मशीन में डालने वाली थी। फिर बेथ आ जाती है, फिर एली बेथ को पकड़ लेती है और शटर मशीन में डालने को होती है। तभी कैसी शटर मशीन को बंद कर देती है और बेथ को चैन सॉवर मशीन दे देती है और उससे एली को मार देती है। तो ये यहाँ से ही खानी शुरू नहीं होती, जो शुरुआत में दिखाया हुआ होता है वहाँ से खानी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ हुआ था और तभी वहाँ पर वो हुआ था। तो या इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना,
और आगे मैं आपको और ऐसी स्टोरीज लाता रहूँगा। थैंक यू।